स्वागत है गाइस आपका एक और नए वीडियो में। गाइस अभी मैं आया हूँ बड़ा इमामबाड़ा, पीछे मेरा है, तो आज इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और अभी थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा किचकिचा हो गया। खैर जो भी हो, यू नो गाइस कि आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, पता नहीं क्यों क्या सीन है यार। गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो ये दोनों पंटर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मौसम भी खुल गया, बारिश भी रुक गई, हम पढ़ने जा रहे अभी हैं, अंदर जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। भाई अनबिलीवेबल, मतलब हम यहाँ पे आ चुके हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रेंड के साथ आओ तो विवेक देखो पीछे, और यहाँ पे दुकानें भी हैं तो यहाँ पे कुछ खरीद सकते हो याद के लिए। और चलो गाइस बैक कैमरे से दिखाता हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं ही दिखूँगा, अच्छे से दिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ और आप लोग जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब, लुक एट दैट। ये जो है इसके अंदर मेन वाला बिल्डिंग है, तो कुछ ये लुक है। ये अपने भाई लोग आ रहे हैं काफ़ी। ये पानी देखो यार भर गया है पूरा, लग रहा कुछ कोविड का सीन तो नहीं है शायद। अच्छा यहाँ पे भी टिकट उकट लेना पड़ेगा हमको लग रहा, पहले सीन आए थे यार तो टिकट उकट नहीं लेना पड़ रहा था, बट अभी पता नहीं क्या है, शायद टिकट लेना पड़े, तो देखते हैं। अगर आप अंदर घूमना चाहते हैं तो ये लिस्ट है, इसको रोक के आप लोग देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे दिया है, ठीक है। वाह ये है बड़ा इमामबाड़ा, ये है पूरा यहाँ का जो सीन आता है गाइस, भाई क्या कहने यार। खैर अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं और यहाँ पे गार्डन है। यहाँ पे सीन क्या था, जो आप देख रहे हैं ना, पहले घोड़े यहाँ पे रखे जाते थे और गमले वगैरह भी हैं मस्त। गाइस यहाँ पे एक डाउट है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो गदर वाली जो मूवी शूटिंग हुई थी, जो नल हैंडपम्प खड़ता है ना, वो यहाँ पे शूट हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था। हालांकि सिमिलर है लेकिन हुआ नहीं था एक्चुअली में, वो हुआ था ला मार्टिन कॉलेज करके हजरतगंज में, वहाँ पे हुआ था। और देख सकते हो सब लोग ऊपर जा रहे हैं, भूल भुलैया यही है, भूल भुलैया जाएंगे तो भूल। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपको भूल भुलैया मतलब ऊपर जाना है, भूल भुलैया देखना है, तो टिकट लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर ऐसे ही इधर थोड़ा ये ग्राउंड में अगर घूमना चाहते हो तो टिकट नहीं लेना पड़ेगा, आप ऐसे ही आके घूम सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सबसे एक दिक्कत हो जाती है यार, जूता निकालना पड़ता है, बहुत ही ख़राब। तो बारिश भी हो रही हल्की हल्की, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि मोबाइल हम लोगों का वाटरप्रूफ तो है नहीं। ये है गाइस भूल भुलैया, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो टिकट ले लो, वो मेन उधर से निकलो, नहीं उधर से निकलते हैं आदमी और अंदर से जाना पड़ेगा। और ये है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा ग्राउंड, कितनी भीड़ है यार। अभी उस साइड में भी चलेंगे, पहले इधर आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। और क्या ही बताएं यार, अगर आप एक बार यहाँ पे आते हो तो उसका एक्सपीरियंस आप लोग खुद ले पाओगे। मैं जितना बता पाऊँ उतना कम है, क्योंकि जो मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ वही बताऊँगा, लेकिन आप अगर यहाँ एक बार आते हो तो आप कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करोगे। तो अंदर अगर जाना है तो चप्पल जूता वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश है तो भीगना तो पक्का। तो अंकित कहाँ गए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत। सो गाइज अभी जो है उस साइड से तो आ गए हैं, अभी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए सीन बन रहा है, बारिश अब बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो अभी हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, क्योंकि अंदर बोल रहे थे कि DSLR अलाउ नहीं है, आप नहीं ले जा सकते हो, बट हम लोग ले आए। तो अभी भाई लोग अपने हैं फोटो क्लिक करवाने के लिए।
चालू हो चुकी है, देख सकते हो दिन खींच रहा है। वहाँ पे सब बंदे एक एक करके फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि सभी का एक साथ आएगा नहीं, क्योंकि सबको सिंगल में चाहिए फ़ोटो। तो बारिश यार जब हो जाती है ना तो सब मज़ा किरकिरा हो जाता है यार। खैर जो भी हो, अच्छा भी लग रहा है और मौसम भी ठंडा हो गया, क्योंकि आज अभी जब सुबह आए थे तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर समझ लीजिए 40 डिग्री। और यहाँ से आप लोग एक बार लुक देखिए, ये सीन ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और यार मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है काला काला आ रहा है इसके यार, कितना भी एक्सप्लोर करो कम है यार। मैं जितना हो सके मैं पूरा वीडियो में एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा, सब कुछ बता दिया मैंने। अगर आपको जाना है टिकट लेना पड़ेगा, तभी आप भूलभुलैया ऊपर सबसे जा सकते हैं, और अगर ऐसे घूमना है तो फ्री में आ सकते हो। बैग वगैरह लेके आ रहे हो तो वहाँ गेट पे जमा करवा देंगे। फिलहाल हम लोगों ने बैग लेके आया था, चकमा दे के अंदर आ गए अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहा है, सारे लोग फ़ोटो क्लिक करवाने में बिजी हैं, मैं ही अकेला ऐसा बंदा हूँ जो व्लॉग कर रहा हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी और लखनऊ का पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। लखीमपुर से मैं इसीलिए आया था, खैर इंटरव्यू था, एग्ज़ाम भी था, हो गया, लेकिन अब हो गया तो सोचा टहल लेते हैं। तो पीछे का सीन आप लोग देख सकते हो, ये जो सीन आता है ना गाइस, अगर आपने यहाँ पे फ़ोटो नहीं क्लिक करवाया तो समझ लो कहीं पे नहीं क्लिक करवाया, क्योंकि यहाँ का सीन जो है ये बड़ा मैमबाड़ा का यही पूरा अच्छा लगता है, पीछे भूल भुलैया ठीक है। तो अभी गाइस हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। गाइस यहाँ पे फाउंटेन बना है, और गाइज़ यहाँ पे जो सीन है, यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि यहीं पे जो हैंडपम्प वाला सीन जो फिल्माया गया था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये सीन कुछ इस तरीके का है, वहाँ पे उस मूवी में दिखाया कि ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये सिमिलर है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा बना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ठीक है। और तो गाइज़ अब यहाँ का एंड करते हैं, अगर ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो जो क्लॉक टावर है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। गाइस आप लोग एक नज़र यहाँ से भी देख लो, ये जो लुक, ये वाला जो लुक आता है ना गाइस, वाह यार क्या कहने। ये लोग भाई DSLR जब से आए बस DSLR लिए लिए घूम रहे हैं। ये सीन कुछ इस तरीका का है, आप लोग ये देख सकते हो, इसमें पहले शायद घोड़े वोड़े बांधे होने जाते होंगे। ये फाउंटेन वगैरह अभी चल नहीं रहा है, और बाकी ये चिड़िया देखो उड़ रही हैं, इतनी दूरी उड़ रही है, थोड़ा सा उधर उड़ रही हैं। और चलिए थोड़ा सा गाइस दो चार फ़ोटो मैं भी क्लिक करवा लेता हूँ, ताकि यहाँ के कुछ यादें जो हैं लेके जाएं घर पे। कवर कर चुके हैं, अभी अब उधर जाना है उस साइड में। तो अभी बारिश भी बंद हो चुकी है पूरी तरीके से, अब विवेक का भी फ़ोटो, चश्मा तो चश्मा ज़रूर चेंज करो भाई पूरे ब्लॉग में यही तो किया हम लोगों ने। तो इसमें यार कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो 10 वाला बल्ब नहीं होता वैसा जल रहा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा। आप लोग यहाँ पे आओगे जब हल्की हल्की बारिश हो ना, तब आओ, मज़ा नहीं मतलब जो पूरा हल्का जब भीग जाए तब आओ, मज़ा दुगना हो जाता भाई। पैसे फ्री में, हालांकि हम लोग आए पैसे नहीं दे के आए अगर ऑटो के दे के आए, अगर आपको देखना है ना उधर उस साइड का तो भैया 50 रुपये टिकट है वाले बहुत हैं यहाँ पे। अंकित भी स्लो मोशन के लिए हमको सब कुछ बता चुका है कि कैसे स्लो मोशन करना है। तो गाइस अभी जो है फाइनली हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो अंकित कैसा लगा घूम के थोड़ा बताओगे? बढ़िया, मतलब जो सब्सक्राइबर मेरे देख रहे हैं अगर आते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस उन लोगों का रहेगा? तो देखेंगे वीडियो तो समझ जाएंगे। तो आप लोग देखो गाइस, मतलब मैं अपने बोल नहीं सकता हूँ, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सब कुछ अच्छा है, बहुत तगड़ा हुआ। तो ये कुछ सीन है इतने बड़े बड़े हैं भाई मेरे, क्या ही पहले क्या राजा महाराजा जो होते होंगे शायद यहाँ पे सैनिक वगैरह होते होंगे, एक ये बना है। मतलब यार इसकी हाइट, अगर हाइट की बात करें तो हमको लग रहा है ये 100 फीट से तो ऊपर हो गई होगा, बहुत ही ज़्यादा हाइट है इसकी, और इसकी भी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको इसके बारे में मतलब डिटेल में जाना है तो आप विकिपीडिया कर सकते हो, तो आपको और अच्छे से
आप जान सकते हो। तो फिलहाल मैं जितना आपको बता सकता हूँ, तो और अगर आपको जानना है तो विकिपीडिया कर सकते हो। तो अभी है ये, इसी गेट से आना है और इसी गेट से जाना है, तो अभी बाहर निकलते हैं। ये कितने ऊंचे ऊंचे हैं ना, मस्त है भाई, क्या कहने यार। मैं आपको एक लिस्ट गाइज आपको दिखा देता हूँ, अगर आप अंदर घूमना चाहते हैं तो ये लिस्ट है, इसको रोक के आप लोग देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे दिया है। ठीक है, अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो ऐसे घूम सकते हैं जाके। और फिलहाल आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने दिखाना भूल गया था, मैं दिखना भूल गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी हम लोग गाइस बाहर क्यों निकल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा आता है। अंकित यहाँ पे एक फ़ोटो हो जाए, हैं क्यों, लो भैया बाबू आपके। तो ये है, भीड़ आज गाइस बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पे आप अगर कुछ याद में किसी के लिए लेके जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। ब्रेसलेट वगैरह है, लड़कियों का सामान ज़्यादा है, उधर मेरे को जाना नहीं है। बाकी सीन अभी वहाँ से खड़े होकर उस साइड का मैं दिखाता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आया। तो वहाँ पे आप देख रहे हो ना गाइस, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि बैग जमा होते हैं, 5 रुपये टिकट है। तो फिलहाल इधर चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं। तो गाइस यहाँ से एक बारी देख लीजिए, ये सी यही गाइस अच्छा लगता है। अभी जो है बारिश हो रही थी, आप लोग सनसेट देख सकते हैं, यू नो अभी सनसेट नहीं हुआ, होने वाला है कि एक घंटे में हो ही जाएगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ इसके, मतलब मैपिंग के बारे में, कि कैसे क्या मैपिंग हुई है। तो आप लोग इसको देख सकते हो कितना स्क्वायर में ये पूरा बना है, ये सीढ़ियाँ वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ से मेन एंट्री है, यू आर हेयर लिख के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो के अगर वीडियो बना रहे तो आप यहाँ पे हो, यहाँ पे लिख के आ रहा। और ये मेन 2 नंबर जो आपको दिख रहा है, ये सीधे जाएगा, आप इस ये पूरा अंदर आप एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे भूल भुलैया या पाओगे तो समझ जाओगे। और ये गाइस सबसे इम्पोर्टेंट, बड़ा इमामबाड़ा नवाब आसफ उद्दौला किस सन में बना गया था, आप लोग इसको रीड कर सकते हो। उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश हिंदी में भी लिखा है, सारे लैंग्वेज में लिखे हैं। तो और यहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते होंगे, खैर